स्टॉक ब्रोकर है न्यूमरोलॉजिस्ट। चलिए आज बात करते हैं कि सीएलएसए होता क्या है। एक्चुअली बहुत बार हम लोग टीवी पे, मैसेजेस पे, जितने सारे ट्रेडर्स हैं वो देखते हैं डाटा कि सीएलएसएल एग्जैक्टली है क्या। फॉर्मली नोन एज क्रेडिट लिनोन एशिया सिक्योरिटी एशिया, जो कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, वो फोकस किया जाता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट असेट मैनेजमेंट पे, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी एंड वेल्थ मैनेजमेंट के लिए ये बहुत फेमस है। फॉर कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट अराउंड द वर्ल्ड, हांगकांग में 1986 में ये स्टार्ट हुआ था। चाइनाज लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक अक्वायर सालसा को किया गया है और 1.3 US डॉलर बिलियन में इन्होंने खरीदा है। आप मोस्ट ऑफ टाइम देखते होंगे कि इनके जो रिकमेंडेशंस होते हैं ना, वो काफी हद तक मार्केट में फॉलो किए जाते हैं। जब इनके काफी हद तक मार्केट में फॉलो किए जाते हैं, तो इनके बारे में पता होना हमें बहुत जरूरी है कि क्यों फॉलो किए जाते हैं, व्हाट इज द पर्पस, कि इन लोगों के स्टेटमेंट्स कितने मैटर करते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर कोई स्टॉक, अगर आज आज की आप बात करोगे तो सालसा रिकमेंडेड टाटा स्टील की यहाँ से इतना जा सकता है, डाउनग्रेड होता है, अपग्रेड होता है, तो सालसा का एक एक वर्ड जो है वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज वो काफी फंडामेंटली स्टडी करके, काफी टेक्निकल स्टडी करके सजेशंस देते हैं। इसलिए जब भी आप अभी इन फ्यूचर टीवी पे सुनोगे, इन फ्यूचर आप आपके मैसेजेस या फिर न्यूज़पेपर में आप पढ़ोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि सालसा क्रेडिट यूनियन सिक्योरिटी एशिया, इसका किस हद तक मार्केट में यूज, किस हद तक मार्केट पे इम्पैक्ट होता है। गाइस, ऑल द बेस्ट।